दोस्तों असल में ज्यादातर बैक्स के साइलेंसर को राइट साइड में ही क्यों रखा जाता है। असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस बात को नोटिस तो जरूर किया होगा कि मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी स्कूटी या फिर बाइक के साइलेंसर को हमेशा से ही राइट साइड में रखा जाता है। आखिर में दोस्तों ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इसके पीछे के अनेकों कारण होते हैं और यदि बात सबसे पहले कारण की जाए तो वो है इंडिया की लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव। असल में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में हम सड़क के लेफ्ट साइड को ही पकड़कर ड्राइव करते हैं, तो वहीं अगर उस कंडीशन में किसी स्कूटी या फिर बाइक के साइलेंसर को राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड में दिया जाएगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट होगी कि जैसे हम किसी भी बाइक या फिर स्कूटी को ओवरटेक करेंगे तो साइलेंसर या फिर उससे निकलने वाला धुआं सीधा ही ओवरटेक करने वाले व्हीकल्स के फेस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं बात या दूसरे कार की जाए तो वो है इंजन डिजाइनिंग। दोस्तों एक टू व्हीलर इंजन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसका चैन सॉकेट हमेशा ही लेफ्ट साइड में आता है। अब क्योंकि चैन सॉकेट अपने आप में एक काफी भारी इक्विपमेंट होता है तो व्हीकल्स को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए बाइक के साइलेंसर को राइट साइड में लगाना पड़ता है, और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो बाइक हमेशा प्रेशर के साथ लेफ्ट साइड में झुकती हुई चली जाएगी।